गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम लेंथ के डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हाउ टू वी ऑपरेट लेंथ, लाइक हाउ टू वी प्लस और हाउ टू माइनस, हाउ टू सबट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा। तो फर्स्ट यू ऑलरेडी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। किलो किलो मीन्स 1000, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ 12 किलोमीटर 750 मीटर एंड 7 किलोमीटर 200 मीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो मीटर के नीचे हमको 3 स्पेस रखना पड़ेगा। अब 12 किलोमीटर 750 मीटर एंड 7 किलोमीटर 200 मीटर, तो किलोमीटर को किलोमीटर से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, एंड मीटर को मीटर से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये बात हमको सबसे पहले ध्यान रखनी पड़ेगी। तो 12 किलोमीटर 750 मीटर एंड 7 किलोमीटर, ये तो आपको जैसे एडिशन करते वैसे ही करना, 1 प्लेस के नीचे 1 प्लेस, 10 प्लेस के नीचे 10 प्लेस एंड 200 मीटर। जैसे आप सिंपली एडिशन करते उसी तरीके से करिए। तो यहाँ कितना आएगा, 0, 5, 7 प्लस 2, 9 एंड दिस इज 950 मीटर एंड दिस इज 12 प्लस 7 इक्वल्स टू 90 किलोमीटर। तो ये इस तरह का एडिशन तो बहुत सिंपल होता है, यू कैन डू इट ओरली आल्सो। 12 प्लस 7 19 किलोमीटर एंड 750 प्लस 200 950 मीटर। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है, बहुत सरल सा है। नेक्स्ट वन, एड 125 किलोमीटर 250 मीटर एंड 72 किलोमीटर 900 मीटर। ओके, अगेन वी विल डू लाइक दिस, किलोमीटर एंड मीटर। ओके, 125 किलोमीटर 250 मीटर। यहाँ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, इसलिए यहाँ 3 प्लेस आएगा, क्योंकि 999 तक मीटर रहेगा, 1000 जैसे ही होगा वो किलोमीटर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 प्लेस रहेगा। ओके, और यहाँ 72 किलोमीटर एंड 900 मीटर। ओके, तो अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं। कैसे प्लस किया जाता है, जैसे सिंपल सा प्लस करते हैं, 9 प्लस 2 11। ओके, 1150 मीटर एंड 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9 एंड 1197 किलोमीटर। अब ये जो आपका मीटर है वो 1000 से ऊपर आ गया, अधिक हो गया, यानी 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो 1 आपका यहाँ पर कैरी हो जाएगा। तो 197, ये इसको आप 1 किलोमीटर प्लस 150 मीटर बोल सकते हैं। तो 1 किलोमीटर कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, 197 के पास, 198 किलोमीटर एंड 150 मीटर इज द आंसर। आप इसको अगर 3 प्लेस कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कैरी भी कर सकते हैं, तो 198 आपका डायरेक्ट भी आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 5 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 7 मीटर 7 सेंटीमीटर। हियर वी शुड नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 99 सेंटीमीटर तक आपका सेंटीमीटर रहेगा, जैसे ही 100 सेंटीमीटर हुआ 1 मीटर हो जाएगा, इसलिए सेंटीमीटर के नीचे आपका 2 प्लेस आएगा, सेंटीमीटर में आपको 2 प्लेस में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मीटर तो आप जितना रखते हैं, जितना दिया है उतना हो जाएगा, 5 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड यहाँ 7 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो 7 वो 1 प्लेस के नीचे आएगा। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी 82 सेंटीमीटर एंड 5 प्लस 7 12 मीटर। ओके, वेरी सिंपल। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड है, अगला क्वेश्चन है, अब सब्ट्रैक्शन हमको देखना है। सब्ट्रैक्शन क्या है, 15 किलोमीटर 750 मीटर फ्रॉम 32 किलोमीटर 900 मीटर, मतलब इस नंबर में से हमको इस नंबर को माइनस करना है। ओके, सिमिलरली वी विल डू 32 किलोमीटर 900 मीटर एंड 15 किलोमीटर ये 750 मीटर। ओके,
इसको माइनस कीजिए, जैसे आप सिंपल माइनस करते वैसे ही करना है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ज़ीरो में से फाइव मिल गया, आपने बोरो किया, दिस इज़ एट एंड दिस इज़ टेन, टेन माइनस फाइव फाइव, एट माइनस सेवन वन, 150 मीटर, एंड टू माइनस फाइव मिल गया, आपने बोरो किया, दिस इज़ टू एंड दिस इज़ ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस फाइव सेवन, टू माइनस वन वन, 17 किलोमीटर, 150 मीटर, दिस इज़ द आंसर। ओके, जैसे सिंपल सब्ट्रैक्शन करते वैसे ही करना है, बस इतना ध्यान रखना है किलोमीटर से किलोमीटर माइनस होगा, मीटर से मीटर माइनस होगा, तो यूनिट आपकी वही रहनी चाहिए। अगर आपने गलत यूनिट से माइनस किया तो आपका पूरा कचरा हो जाएगा, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट 5 मीटर 70 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड हियर 5 मीटर 70 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है कि 20 मीटर में से 70 सेंटीमीटर तो माइनस हो नहीं सकता, तो हम कहाँ से बोरो करेंगे, मीटर से। मीटर के पास ये 8 मीटर हो जाएगा, अब 8 मीटर जब ये 1 मीटर इधर आएगा तो 1 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 प्लस 20 120 सेंटीमीटर, तो 1 को आप सामने रखिए, 120 में से आपको 70 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 50 सेंटीमीटर, 8 माइनस 5 3 मीटर, तो द करेक्ट आंसर इज 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट वन, देर आर सम वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन, सोहेल यूजेस डिफरेंट ट्रांसपोर्ट फॉर रीचिंग हिज विलेज। अब उसको अपने विलेज में जाना है, ही ट्रेवल्स 230 किलोमीटर बाय बस, देन 20 किलोमीटर 250 मीटर बाय ऑटो, एंड देन 2 किलोमीटर 200 मीटर बाय तांगा। ओके, हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड टू रीच हिज विलेज, ठीक है। ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट से वो जा रहा है, सबसे पहले 230 किलोमीटर बाय बस, देन 20 किलोमीटर 250 मीटर बाय ऑटो, एंड देन 2 किलोमीटर 200 मीटर बाय तांगा। तो यहाँ अलग अलग ट्रांसपोर्ट उसने यूज़ किया, सबसे पहले बाय बस हाउ मच 230 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट वन, बाय ऑटो 20 किलोमीटर एंड 250 मीटर। ओके, एंड बाय तांगा 2 किलोमीटर एंड 200 मीटर। ओके, तो ऐड दिस ऑल, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप इसको चाहे तो 000 मीटर लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नाउ ऐड दिस 054 450 मीटर, एंड दिस वन 2 3 + 2 5 and 2 252 किलोमीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रैवल टू रीच हिज विलेज, ही ट्रैवल 250 किलोमीटर 450 मीटर टू रीच हिज विलेज, दैट इज द आंसर। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, सोनिमा हैज अ रोल ऑफ सैटर्न रिबन, द लेंथ ऑफ द रोल इज 50 मीटर 42 सेंटीमीटर। ओके, शी डिस्ट्रीब्यूट्स दिस रिबन अमंग हर 7 स्टूडेंट्स इक्वली फॉर मेकिंग ब्यूटिफुल फ्लावर्स बाय कटिंग द रो। ओके, हाउ मच लेंथ ऑफ रिबन विल ईच स्टूडेंट गेट, तो शी हैज़ 50 मीटर 42 सेंटीमीटर लेंथ, इतने लेंथ का उसके पास रिबन है, और उसको कितने बच्चों में बांटना है, 7 स्टूडेंट में इक्वली बांटना है, उसको इस तरह से वो काटी कि सातों बच्चों को इक्वल रिबन मिल जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे, द टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितना है, टोटल लेंथ इक्वल्स टू 50 मीटर 42 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, किसी एक यूनिट में रखिए तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में इजी पड़ेगा। तो 50 मीटर इक्वल्स टू 50 मीटर
equals to how many centimeter? 50 into 100 equals to 5000, 5000 centimeter. And 5000 plus 42 centimeter, 42 you add here, so equals to 5042 centimeter, the total length, 50 centimeter and 42 centimeter, 5042 centimeter. And she has to distribute among 7 students equally. So 5042 centimeter divided by 7 students. क्योंकि सबको बराबर बराबर बांटना है, तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. चलिए हम डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट वन 7, यहाँ पर ये 5 है, छोटा नंबर है, इसलिए वी हैव टू टेक टू डिजिट. 7 7 सा 49, माइनस कीजिए, 10 माइनस 9 1. नेक्स्ट डिजिट 4, 7 2 सा 14, माइनस कैंसिल. नेक्स्ट वन 2, तो 2 तो जाएगा नहीं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7 0 सा 0, तो माइनस रिमेनिंग 2 सेंटीमीटर रिबन बच जाएगी. और 720 सेंटीमीटर रिबन शी डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली, है ना. तो 720 सेंटीमीटर मतलब कितना आ जा रहा है, इसको आप मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, 7 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, है ना. तो ईच वन विल गेट 7 मीटर 20 सेंटीमीटर रिबन. ओके, तो दैट इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाइट ऑफ रोहन इज 1 मीटर 57 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ हिज सन सुनील इज ओनली 95 सेंटीमीटर, हाउ टॉलर इज रोहन फ्रॉम हिज सन. तो ये रोहन की हाइट कितनी है, रोहन इज 1 मीटर 57 सेंटीमीटर एंड हिज सन इज सन सुनील, सुनील्स हाइट इज 95 सेंटीमीटर. ओके, तो हाउ टॉलर रोहन इज फ्रॉम सुनील, तो ये सुनील से कितना ज़्यादा ऊंचा है रोहन, तो इसके लिए आपको माइनस करना पड़ेगा. अब चलिए माइनस कीजिए, 1 मीटर से तो आप मतलब ये 57 सेंटीमीटर से 95 सेंटीमीटर माइनस नहीं होगा, इसलिए आपको बोरो करना पड़ेगा. आप यहाँ जाइए, 0 मीटर हो गया, 1 मीटर इधर आएगा, तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर प्लस 57 सेंटीमीटर. नाउ सब्ट्रैक्ट सिंपली, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 एंड 15 माइनस 9 व्हाट इज 62 सेंटीमीटर. तो हाउ टॉलर इज रोहन फ्रॉम हिज सन, तो रोहन इज 62 सेंटीमीटर टॉलर देन हिज सन. रोहन इज 62 सेंटीमीटर टॉलर देन हिज सन. ओके, हिज सन. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट वन, रेणु प्रसाद वॉक्स अराउंड अ गार्डन, इफ द बाउंड्री ऑफ द गार्डन इज 750 मीटर, देन हाउ मच लैंड डिड ही रन आफ्टर 4 राउंड, गिव योर आंसर इन किलोमीटर एंड मीटर. तो दिस इज वन गार्डन एंड ही वॉक्स अराउंड द गार्डन. ओके, द बाउंड्री ऑफ द गार्डन इज 750 मीटर एंड ही रन 4 राउंड्स टोटल. तो इन 1 राउंड what is the distance, in 1 round distance is 750 meter. So in 4 round what you have to do, simply multiplication, 750 into 4. Okay, this is meter, then multiply this, 4 0 4 5 sir 20, 2 carry, 4 7 sir 28 plus 2 30, 3000 meter. And 3000 meter equals to how many kilometer? 3000 meter equals to 3 kilometer.
है, गिव योर आंसर इन किलोमीटर एंड मीटर, तो 3 किलोमीटर एंड 0 मीटर, दैट इज द आंसर. ओके, तो दिस स्टेप्स यू कैन डू मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ लेंथ, मैनी वर्ड प्रॉब्लम ऑल्सो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑल्सो. तो ट्राई योर सेल्फ. थैंक यू.